देखिए आज हम सीखेंगे वैदिक विधि से जोड़ना कि आपको वैसे जोड़ना घटाना आता है और वैदिक विधि से कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा है एकाधिक चिन्ह कैसे बनता है, छोटी सी बिंदी के नाम से ही पता लग रहा है एकाधिक चिन्ह। एक अधिक किसी भी संख्या के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाने पर संख्या एक अधिक हो जाती है। अगर मैंने 5 लिखा है यहाँ पे और उसके ऊपर ये बिंदी लगा दी, इसको हम कहते हैं एकाधिक चिन्ह। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यानी ये एक अधिक हो गया, 5 की अनुवर्ती 6। इसी तरीके से अगर मैंने 8 के ऊपर ऐसे लगा दिया तो 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगने के बाद ये क्या हो गया, ठीक है। अब हम जोड़ना सीखते हैं। ठीक, अगर मैंने यहाँ लिखा 6, 9 और 3, अब हमको इसे जोड़ना है, लेकिन कौन सी विधि से, वैदिक विधि से। किससे, वैदिक। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले हम 6 में 9 को जोड़ेंगे, तो 9 और 6 कितना होता है बेटा, 15। तो वो 5 हम यहाँ लिखेंगे और जो 1 उसका हासिल है उसको हम किसके रूप में लिख देंगे, बिंदी के रूप में। किसके रूप में, बिंदी। इसका मतलब होता है एकाधिक चिन्ह। ठीक, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे, 3, कितना हो गया, 8। और इसका मतलब क्या है, 1। तो इसकी जगह लिख देंगे 1 और ये आपका उत्तर। बोलिए सही है, समझ में। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसको जोड़ना है, लेकिन कौन सी विधि से, वैदिक विधि से। ठीक है, 7 में 6 जोड़ा कितना है बेटा, 13। तो 13 का 3 और वो जो 1 बचा उसको हम एकाधिक चिन्ह के रूप में 5 के ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो अब इतने का मान कितना हो गया, 6। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। आया समझ में, एकाधिक चिन्ह का मतलब होता है एक अधिक। ये है वैदिक विधि से जोड़। ठीक है।